जाओ गरुड़। आप मेरी इस यात्रा का कारण जानते हैं अग्निदेव, और तुम भी जानते हो कि तुम्हें अमृत पानी का अनुमति नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं विवश हूँ, और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब या तो अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊंगा या इस प्रयास में अपने प्राण त्याग दूंगा। परंतु वापस लौटना असंभव है। तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है अग्निदेव मेरी उपस्थिति से क्रोधित है, अब इनके क्रोध का सामना कैसे करूंगा मैं। माँ ने कहा था अग्नि को शांत करने के लिए शीतलता की आवश्यकता होती है। क्या हुआ गरुड़, युद्ध करो मुझसे। कैसे भैया, साक्षात अग्नि है, दीपक के रूप में भगवान के मंदिर को प्रकाशित करते हैं। हवन कुंड में ऋषियों की आहुतियां आपके द्वारा ही प्रभु तक पहुंच पाती हैं। सृष्टि में सभी को समान दृष्टि से देखते हैं आप, राजा हो या निर्धन, सभी के देह को अंत में आप ही स्वीकार करते हैं। और सत्य तो ये है कि आपके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। जठराग्नि के रूप में हर प्राणी के उदर में बसते हैं। यदि आप ना हो तो भोजन तक नहीं पच सकता। इतना सब जानते हो फिर भी मेरा विरोध कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस लक्ष्य के लिए प्रेरणा आप ही से मिली है। हाँ भैया, मेरी माँ की मुक्ति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इसका आभास मुझे जिसने सबसे पहले कराया था वो आप ही थे। ये क्या कह रहा है गरुड़, अग्निदेव ने ऐसा कब किया? ये जानने के लिए तो हम दोनों भी उत्सुक हैं। जब मैं डिम में था तो मुझे आभा के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आता था। जब भी माँ मेरे निकट आती थी तो मुझे उष्णता का आभास होता था, और जब भी बड़ी माँ या कोई संकट मेरे समीप आता था तो मेरे पूरे तन में शीतल लहर दौड़ जाती थी। और तब से उचित और अनुचित का भेद जानने के लिए मैंने सदैव अपने भीतर की ऊष्मा का सहारा लिया। जब भी किसी के साथ या विशेषकर मेरी माँ के साथ कुछ अनुचित होता है तो मेरा पूरा तन आवेश में आकर तपने लगता है और प्रतिक्रिया के लिए विवश कर देता है। और जब तक अनुचित को उचित में ना बदल दूं, मुझे शांति नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा था भैया, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। अब आप ही बताइए, भला आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं गरु, किंतु मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं, और देवराज इंद्र के आदेश के कारण मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करके तुम्हें रोकना ही होगा गरुड़। सावधान हो जाओ गरुड़। यदि तुम मेरी अग्नि रेखा पार कर पाए तो मैं तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनूंगा। परंतु
प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि अपने गुरु नर नारायण से ली शिक्षा की मैं लाज रख सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु, गरुड़ ने पहली बाधा बिना युद्ध के ही पार कर ली। सच में विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है गरुड़ ने। गरुड़ अपनी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना सीख रहा है। युद्ध केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, अंतर मन में भी लड़ा जाता है। और अपने शत्रु पर विजय केवल शारीरिक बल से ही नहीं, उसका मन जीतकर भी पाई जा सकती है। ये प्रमाण देख गरुड़ ने एक और परीक्षा को पार कर लिया, पर अभी अनेक चरण शेष। गरुड़ के संकट अभी और बढ़ने वाले, क्योंकि इस हार से देवराज इंद्र के क्रोध की अग्नि और भी अधिक तीव्रता से धधक उठेगी। केवल देवताओं के ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लौट आए हैं आप। गरुड़ की बातों से ही हार गए आप। ना तो उसे वापस भेजा और ना ही उसे युद्ध के लिए बाध्य किया, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मार्ग तक दे दिया। आप चिंता मत कीजिए देवराज, मैं भी जाकर उसे उसकी दृष्टिता के लिए दंड दूंगा। हाँ देवराज, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं भी उस गरुड़ को उचित पाठ पढ़ाने के लिए व्याकुल हूं। नहीं देवगण, यदि और समय व्यर्थ हुआ तो परिणाम भयानक हो सकता है। मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने। देवराज इंद्र स्वयं जा रहे हैं गरुड़ को रोकने। लगता है अब सारे देवता गरुड़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो अनिष्टता के संकेत है, न जाने क्या होगा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़, ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। अमृत पर किसका अधिकार होगा, यह निर्णय करने का अधिकार केवल परम प्रभु विष्णु का है।
और ये जानते हुए भी तुम अमृत चुराने चले आए। मैं जानता हूँ देवराज कि मैं अनधिकार से आया, परंतु अमृत मेरी माँ की मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप बड़े हैं इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ देवराज, अपने हृदय की विशालता का परिचय दे और मुझे अमृत ले जाने दीजिए। तो मैं अमृत ले जाने दूं? ले जाना तो दूर गरुड़, अब तो मैं तुम्हें कभी अमृत की ओर देखने तक नहीं दूंगा। तुम्हारे स्वार्थ के कारण संपूर्ण जग को संकट की अग्नि में झुलसने नहीं दूंगा मैं। स्वार्थ? जिसे आप स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है देवराज। यदि मेरे स्थान पर आप होते और मेरी माँ के स्थान पर आपकी माँ दास्ता के बंधन में बंधी होती तो क्या आप ये प्रयास नहीं करते? ये सृष्टि भावनाओं में बंधकर नहीं, न्याय और धर्मों के नियमों से बंधकर चलती है गरुड़। बातें बहुत हो चुकी गरुड़, अब यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझसे युद्ध करके मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। अपनी मां के स्वतंत्र जीवन के लिए यदि मुझे अपने भाई से भी युद्ध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु, गरुड़ देवराज इंद्र के साथ युद्ध कैसे कर सकता है? उसने आज तक केवल असुरों का सामना किया है। असुरों को हराना और देवराज इंद्र से युद्ध करना एक समान नहीं है प्रभु। असुर शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं, उनका क्रोध उनसे दो पग आगे चलता है और बुद्धि दो पग पीछे, परंतु देवराज इंद्र में यह अवगुण नहीं है। संसार के श्रेष्ठतम गुरुओं ने उन्हें युद्ध नीति सिखाई है, वर्षों का अनुभव है उनके पास। शेष का कथन सत्य है प्रभु, वरदान के कारण गरुड़ का शारीरिक बल देवराज इंद्र से अधिक अवश्य है, पर युद्ध कला का अभ्यास, युद्ध नीति का ज्ञान, युद्ध विद्या का कौशल केवल देवराज इंद्र के पास है। ऐसे में देवराज का पक्ष गरुड़ की तुलना से अधिक भारी है। अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि इस युद्ध में जाने से पहले गरुड़ नर और नारायण के मार्गदर्शन अपनी कुंडलिनी को जागृत किया है। अब उसे जिस भी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता होगी वह उसे स्वयं अर्जित कर सकता है यदि वह सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करे। तो वैसे इतने बड़े प्रतिद्वंद्वी और अपने बड़े भाई को सामने पाक गरुड़ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा या नहीं, यही होगी उसकी वास्तविक परीक्षा। ये गरुड़ इंद्रदेव का कैसे सामना कर पाएगा? अमृत ग्रहण करने के पश्चात देवराज अमर हैं, वो इस पक्षी के प्राण शीघ्र हर लेंगे। Hey!
तो शुभ संकेत है मां। मुझे भी चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे गणाधिपति गणेश, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे विघ्न विनाशक, मेरे सभी विघ्न दूर करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों एक साथ गणेश को स्मरण कर रहे हैं। अब गणेश किसे देंगे अपना आशीर्वाद? जो अधिक योग्य हो विजयी वही हो। पिताजी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पिताजी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे अमृत के रक्षक, संसार संचालक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। संसार की हर मां के सम्मान के रक्षक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, दोनों ने आपके आशीर्वाद के लिए आवाहन किया है, अब आप क्या करेंगे? धर्म की जय हो। सभी देवताओं की जननी अदिति मां अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें। हे ललिता मां, पार्वती मां, लक्ष्मी मां, अदिति मां, दीति मां, बड़ी मां, अविंता मां, आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका पुत्र आपसे आशीर्वाद मांग रहा है देव, और आपको ये भी ज्ञात है कि वो जो कार्य करने गया वो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। क्या आप उसे विजयी होने का आशीर्वाद देंगी?